एक्सप्लेनेशन पार्ट 43 की है जो लास्ट में मुझसे छूट गया था, तो मैं आज उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बारी बारी से हैंगशोंग की कब्र से जा रहे होते हैं और लास्ट में गुएंगजेन और शिनशिंग ही रह जाते हैं। और यहाँ गुएंगजेन खुद को ही ब्लेम दे रहा होता है कि उसी की वजह से आज हैंगशोंग की डेथ हो गई है, क्योंकि अगर वो सामान लेने के लिए बाहर ना गया होता और उसने हैंगशोंग को भेजा होता तो आज वो जिंदा होता। और यहाँ पर शिनशिंग गुएंगजेन के पास जाती है और उसका हाथ थामती है और उसके पास जाकर वो भी रोने लगती है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन खुद को जेल में बंद करवा देता है और वो खुद को ही ब्लेम देता है हैंगशोंग की मौत का। और दूसरी तरफ हमें शिनशिंग को दिखाया जाता है जो हैंगशोंग के रूम में आती है और उसे हर जगह हैंगशोंग दिखाई देता है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और फिर वो उसके डेस्क की तरफ देखती है जहाँ पर हैंगशोंग कुछ लिख रहा होता है और वो छुपा देता है। और ये याद कर शिनशिंग उसके डेस्क के पास जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि हैंगशोंग ने उसके फोटो के ऊपर चोटी बना दी होती है। और यहाँ ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि वो हैंगशोंग को बता भी नहीं पाई कि वही शिनशिंग है। और वो उस फोटो को लेकर रोने लगती है। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जहाँ देखते ही देखते एक वीक हो जाता है, पर गुएंगजेन ना तो खाना खाता है और ना ही किसी से बात करता है। और ये सब कुछ देख कर सेकंड लीडर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं ये सब कुछ कर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें अगर हैंगशोंग की मौत का बदला लेना है तो जल्दी से खाना खत्म करो और बाहर आओ। और फिर सेकंड लीडर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुएंगजेन खाना लेता है और खाने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन को रिहा कर दिया जाता है और शिनशिंग, जीजिन और सुयान वहाँ पर बाहर खड़े हुए होते हैं। और शिनशिंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ वो ठीक है और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शेंग जून उसे रोकता है और उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम देना बंद करो और ये सब कुछ करना बंद करो। हमें हैंगशोंग की मौत का बदला लेना है, इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम हैंगशोंग की मौत का बदला लेंगे। तो गुएंगजेन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 43 एंड होता है। और इस ड्रामा में अब आगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी मौत होने वाली है और ये ड्रामा अब बहुत ही ज़्यादा सैड वाला एंडिंग लेने वाला है। और इसके बाकी के एपिसोड मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एंड मैं अब लौटूंगी दूसरे एक नए ड्रामा के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।